Come study. So let's start our enjoyable subject. I think you all like this subject. This is maths. So let's start maths. In maths, we are going to do our first chapter, shape and space. Shapes and space. So first of all, what is the shape? आपको पता है शेप का मतलब क्या होता है? शेप यानी कि आकार, हम जिसे हिंदी में और गुजराती में आकार बोल सकते हैं उसे कहते हैं शेप। जैसे कि कोई गोल है, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, स्क्वायर, दिस ऑल आर शेप्स। एंड स्पेस मींस जगह, वेयर द ऑब्जेक्ट इज, उसे कहते हैं स्पेस। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसकी जगह जो डिफाइन करता है उसे कहते हैं स्पेस। सो शेप्स एंड स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट इन आर टेक्स्ट बुक, इन आर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ मैजिक बुक, मीन्स टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स फॉर क्लास वन। आप लोग की ये टेक्स्ट बुक है। सो मैथ मैजिक बुक, ये है स्कैनिंग का सिंबल, यानी कि आपके मोबाइल में जो स्कैनर होगा उसको आप इस पे रखोगे तो आपके मोबाइल में पूरी बुक आ जाएगी। ये जो बुक है वो आपके फोन में, आपके सेल फोन में, मोबाइल में आ जाएगी। सो इट इज आर मैथ मैजिक बुक एंड लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर। इट इज आर इंडेक्स और कंटेंट्स। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स है और कहाँ पे है। पेज नंबर्स आर ऑल्सो रिटन हियर एंड चैप्टर नेम ऑफ चैप्टर्स आर रिटन हियर। लुक एट हियर, नंबर वन शेप्स एंड स्पेस, ऑन विच पेज? नंबर वन, ऑन नंबर वन पेज। सो 1 to 7, देन 8 to 13, एंड दिस सम एक्स्ट्रा टॉपिक। So, this is your syllabus or content. Let's start now. Chapter 1, Shapes and Space. अब देखो, यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, स्कैनिंग का स्टिकर दिया गया है। तो ये जो आपके मोबाइल में स्कैन का जो ऑप्शन होता है वो अगर आप इस पे रखोगे तो ये पूरी बुक है ना, वो आपके मोबाइल में आ जाएगी। And you can see your book and you can read also from your mobile. Okay, so let's start. Chapter number 1, Shapes and Space. So first of all, I have already told you that what is shape. Shapes means akar, jaise ki koi round, circle or round dono ek hi hai na, aap wo sab padhi gaye ho केजी में, सीनियर केजी में। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग, सर्कल, स्क्वायर, ये सारे है वो है शेप्स। तो स्पेस यानी कि जगह, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है वो मैंने आपको बताया ना अभी, वही। तो पहले है इनसाइड एंड आउटसाइड, ये हमारा टॉपिक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो टेल मी व्हाट इज इन। इन मीन्स अंदर, उसके अंदर। आउट यानी कि बाहर, इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, अंदर की बाजू, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ। तो ये इनसाइड और आउटसाइड है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पेस यानी कि उसकी जगह कहाँ पे है वो।
प्लेस. सो लेट्स स्टार्ट. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ यस बोथ आर, क्या है ये दोनों? ये प्लेस डिफाइन करते हैं, मगर ये जो है इनसाइड एंड आउटसाइड वो एक दूसरे के अपोजिट है. अपोजिट्स, ओके. इनसाइड यानी कि अंदर, आउटसाइड यानी कि बाहर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द अरब, ओके, एक कंट्री है, वहां पे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और वो ज्यादातर ऐसा डेजर्ट वाला ही एरिया होता है, जिसे कई लोगों ने ऐसी स्टोरी भी सुनी होगी, अरेबियन नाइट्स सुनी है. तो उसमें ऐसा डेजर्ट वाला एरिया आता है पूरा, और ऐसे ही कपड़े पहने होते हैं उन लोग ने, उसे कहते हैं अरब या तो फिर अरब. सो द अरब एंड हिज कैमल. अच्छा, तो स्टोरी है वो है अरब और उसके कैमल की. स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कैमल? कैमल का दूसरा नाम क्या है? यस, उसका नाम है द शीप ऑफ डेजर्ट. द शीप ऑफ डेजर्ट. शिप मीन्स SHIP, शिप मीन्स क्या? जहाज. यस, डेजर्ट यानी कि रण. जो ये रणभूमि होती है, मरुभूमि होती है, वहां पे रेत होती है, तो उसका जो रोड होता है, जो ये जो जमीन होती है, लैंड, वहां पे बहुत सारी सैंड होती है, तो कोई और एनिमल इजीली इसमें चल सकते नहीं है. मगर कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि इसमें इजीली चल सकता है, दौड़ सकता है. और कैमल के पेट में एक ऐसी बैग होती है, वाटर बैग, तो वो ज्यादातर पानी भी अगर ज्यादा दिनों तक उसे ना मिले तो भी वो चला सकता है. एंड ही कैन सर्वाइव इजीली इन दिस डेजर्ट एरिया. सो पीपल यूज टू से शिप ऑफ डेजर्ट. ये जो डेजर्ट का जहाज, रण का जहाज है कैमल. तो जो भी डेजर्ट एरिया में ट्रेवलिंग करते हैं उससे वो लोग ज्यादातर कैमल पे सवार होके जाते हैं. तो द अरब एंड हिज कैमल, ये हमारी स्टोरी है. इट वॉज अ कॉल्ड विंटर डे. बहुत ठंड थी. कॉल्ड विंटर यानी कि विंटर, यानी कि हमारे सीजन्स है ना, थ्री सीजन्स. देर आर थ्री सीजन्स. विच सीजन्स आर देर? मॉनसून, विंटर एंड समर. मीन्स समर, विंटर, मॉनसून, या तो फिर विंटर, समर, मॉनसून, कुछ भी बोलो. विंटर है वो ठंड की सीजन है. सर्दी, सर्दी की सीजन चल रही थी और बहुत ठंड थी. इट वॉज अ कॉल्ड विंटर डे. बहुत ठंडा दिन था वो. द अरब, अब यहाँ पिक्चर दिया गया है, देखो ये स्पेलिंग दे दिया हमें अरब का. अब वो उसकी जगह उदलोंग ने पिक्चर इंडिकेट किया है, मतलब हमें समझना है कि अरब है. द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक. यानी कि अरब है वो ट्रेवलिंग कर रहा था. ट्रेवलिंग यानी कि जर्नी, एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रेवलिंग बोलते हैं. ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक, कैमल के बैक पे वो जर्नी कर रहा था. एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट. अब रात हुई तो वो रुक गए. पिच यानी कि बिछाना, लगाना. तो उसने अपना टेंट लगाया. टेंट है वो क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ हाउस. वो एक प्रकार का घर है. इट इज टेम्पररी हाउस ना, टेम्पररी हाउस है. हम कहाँ भी उसे लगा सकते हैं. कैनवास से बना होता है या तो फिर ऐसी बहुत मजबूत पॉलीथीन होती है, उससे बना हुआ होता है. तो ऐसी तरह से लगाया जाता है उसे, जमीन में ऐसे कील ठोक के इसे यहाँ लगाया जाता है. देखो, है ना, हैमर करके. तो उसने अपना टेंट पिच किया, बिछाया. एंड वेंट इनसाइड इट.
देखो वो कहां पे गया, टेंट के इनसाइड। द कैमल वॉज आउटसाइड, तो कैमल कहां पे था, आउटसाइड यानी कि बाहर था, टेंट के बाहर। देखो पिक्चर में शो किया है अरब इनसाइड एंड कैमल आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द टेंट एंड इनसाइड ऑफ द टेंट। इनसाइड यानी कि अंदर, आउटसाइड यानी कि बाहर। तो रात थी और बहुत ठंड थी, तो नेचुरली कैमल को भी ठंड लग रही होगी। यस, तो कैमल ने बोला मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। तो मैं अपनी नेक यानी कि गर्दन अंदर रख सकता हूं, उसने बोला। ये जो पार्ट है ना, वो अपना मुंह वाला पार्ट। इनसाइड यानी कि अंदर, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है, ऐसा बोला। ओके यू मे पुट योर नेक। तो अरब ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, तुम अपनी गर्दन अंदर रख सकते हो, यू आर अलाउड। देन व्हाट हैपन, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, फिर से इनसाइड आया, देखो इट इज टू कॉल्ड आउटसाइड। फिर उसने अपनी गर्दन तो रख दी, फिर क्या बोला कि मैं अपना लेग, फ्रंट लेग, फ्रंट लेग्स यानी कि आगे के पैर। अच्छा कैमल को कितने पैर होते हैं, हाउ मेनी लेग्स कैमल हैव, फोर लेग्स होते हैं। यस, तो उसके आगे के दो पैर और पीछे के दो पैर, फ्रंट लेग्स। उसने बोला मैं अपना फ्रंट लेग, दोनों फ्रंट लेग्स रख सकता हूं अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बाहर आउटसाइड। ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, कोई बात नहीं, तुम अपना, अपने दोनों जो लेग्स है फ्रंट वाले, वो इनसाइड यानी कि अंदर रख सकते हो। किसके इनसाइड, टेंट के इनसाइड। यस, देन कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कॉल्ड आउटसाइड। अब देखो कैमल ने दोनों पैर रख दिए, यानी कि उसका आधा जो शरीर है, आधा जो उसका बॉडी है, वो अंदर आ गया, कैमल का इनसाइड आ गया। उसने बोला मैं अभी अंदर आ सकता हूं, इनसाइड अंदर की बाजू आ सकता हूं, इट इज टू कॉल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। ओह नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, उसने बोला अरे नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते अंदर पूरे के पूरे, क्योंकि टेंट है वो बहुत स्मॉल है, टू स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है हम दोनों के लिए, ये सिर्फ एक के लिए ही है, दोनों के लिए नहीं चल सकता। मगर फिर भी कैमल ने क्या किया, देखो सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, उसने बोला तो मैं अंदर आ रहा हूं और तुम बाहर जाओ। इनसाइड यानी कि अंदर, आउटसाइड यानी कि बाहर। अब देखो अरब कहां पे है, आउटसाइड द टेंट यानी कि टेंट के बाहर, एंड कैमल कहां पे है, इनसाइड द टेंट यानी कि टेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स डू यू अंडरस्टैंड दिस, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, अंदर बाजू, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, बाहर बाजू। ओके सो इट इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इनसाइड एंड आउटसाइड। नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन एंड यू हैव टू टेल दिस स्टोरी ऑल्सो टू योर पेरेंट। ओके सो नाउ वी विल डू अनदर टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, बिगर एंड स्मॉलर। सो बिगर मीन्स बिग, जो बिग है यानी कि बड़ा है उसे कहते हैं बिगर, और जो छोटा है उसे कहते हैं स्मॉलर। सो पिक राइट द बिगर, लुक एट हियर, हियर आर सम पिक्चर्स गिवन, हुज पिक्चर इज दिस, यस इट इज हिप्पोपोटामस एंड अ डॉग। सो विच वन इज बिगर,
हिप्पोपोटामस और डॉग? यस, हिप्पोपोटामस इज बिगर देन डॉग. तो जब हम बिगर यूज करते हैं तो हम देन भी यूज करते हैं. बिगर देन यानी कि उससे बड़ा है, तो हम यहाँ पे राइट टिक मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है टिक राइट द बिगर. सो नाउ टिक राइट द स्मॉलर. स्मॉलर यानी कि छोटा. वैसे आपको पता ही है बिगर स्मॉलर, आपने सब कुछ सीने के जिम्मे लर्न कर लिया है. सो नाउ टू लीव्स आर योर, इट इज आई थिंक बनाना लीव ना. इट इज बिगर एंड इट इज smaller than this leaf, so we will tick this leaf. Then a squirrel and a cow, so which one is smaller? Yes, squirrel is smaller than cow, so we will tick right over here. Then tick right the smaller tire. Two tires are here. Two boys are playing with tires. Have you enjoyed any time with this thing? आप लोग ने कभी खेला है टायर से? It is too much enjoyable. So, two tires are here. First one is, I think, bigger and it is smaller. So the second one tire is smaller than this one. So we have to tick right the smaller tire. हमें smaller tire पे tick mark करना है, तो हमें यहाँ पे tick mark करना पड़ेगा. Okay? Here we end our one topic, bigger and smaller. Then the next is biggest and smallest. अच्छा, big, bigger and biggest. देखो, फिर big यानी कि बड़ा, bigger यानी कि उससे भी बड़ा, और बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा. तो यहां पे हमें क्या करना है? टिक राइट द स्मॉलेस्ट. स्मॉल यानी कि छोटा, स्मॉलर यानी कि उससे भी छोटा, और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा. ओके, सो टिक राइट द स्मॉलेस्ट ट्री. सबसे छोटा वाला जो ट्री है उसमें हमें राइट टिक मार्क करना है. तो यहां पे देखो, ये है, हम अगर इसे बिग कहेंगे तो ये स्मॉलर देन दिस वन ना, एंड इट इज स्मॉलेस्ट ट्री. इट इज द स्मॉलेस्ट ट्री, सो वी हैव टू टिक मार्क एट हियर. इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा तीनों में से. नाउ टिक राइट द बिगेस्ट एनिमल. ओके, डॉग इज बिगेस्ट देन कैट ना, बट एलिफेंट इज बिगेस्ट. यस, एलिफेंट है वो तीनों में सबसे बड़ा है. देखो, वैसे तो एनिमल इज द लार्जेस्ट एनिमल, एलिफेंट है वो लार्जेस्ट एनिमल है ऑन फ्रॉम लैंड एनिमल्स. एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ना, एलिफेंट है वो सबसे बड़ा एनिमल है लैंड एनिमल में. I'm not saying that from all the animals. I'm saying that land animal में सबसे largest जो animal है वो है elephant. So look at here, elephant is the biggest animal among these animal. So we have to write tick mark over here. Tick write the smallest fruit. Oh ho, here are some fruits. Okay, so do you like fruits? We have to eat fruits every day because it is too much hygienic for us and healthy also. It is one kind of healthy food. So we have to eat fruits every day. What is this? It is a mango. It is a watermelon and it is a cherry. Yes. So which one is smallest? Smallest, the cherry is the smallest fruit among these fruits, among this given fruits. जो फ्रूट्स हमें यहाँ पे दिए हैं, उसमें से चेरी सबसे छोटा फ्रूट है. Tick right the biggest bubble. Yes. Do you like this? Most of the student like this, na? I also like this to make bubbles. So now look at here.
टिक राइट द बिगेस्ट बबल, इसमें से बिगेस्ट बबल है उसमें हमें राइट टिक मार्क करना है. बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा. देखो ये स्मॉल है, बिगर देन दिस, दिस वन इज बिगर देन दिस, दिस वन इज ऑल्सो बिगर देन दिस, एंड दिस वन इज बिगेस्ट बबल ना. सो वी हैव टू टिक राइट मार्क ओवर हियर. बिगेस्ट, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉप एंड बॉटम. टॉप यानी कि ऊपर, ऊपर की साइड, बॉटम यानी कि नीचे की साइड. सो लुक एट हियर, वी हैव अ पिक्चर. हियर इज अ पिक्चर ऑफ स्लाइड एंड अ ट्री, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड अ कैट also and a bird also. So look at here, where is bird? Bird is on the top of the tree. Bird कहाँ पे है? Tree के top पे, ऊपर है, सबसे ऊपर की side. Then where is cat? Cat is at the bottom of the tree. कहाँ पे बैठी हुई है? कैट इज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द ट्री. नाउ लुक एट हियर, दिस बॉय इज ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड, वो स्लाइड के ऊपर की साइड है. एंड दिस बॉय एंड दिस बॉय, दीज बॉयज आर एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के नीचे की साइड है ये दोनों, बॉटम. तो यहां पे देखो, टिक राइट द पॉट ऑन द टॉप, जो पॉट टॉप में है, पॉट एंड टॉप. लुक एट हियर, पी ओ टी पॉट, टी ओ पी टॉप. ओके, सो वी हैव टू सी दैट विच पॉट ऑन द टॉप, कौन सा पॉट है वो टॉप पे है यानी कि सबसे ऊपर है. तो इज इट? नो. इज इट? नो, इट इज द मिडल वन. And yes, this one is on the top. So हम यहाँ पे right tick mark कर देंगे. अब यहाँ पे देखो, tick right the animal at the bottom of the stairs. Stairs यानी कि जो कोई भी सीढ़ियाँ होती है उसकी बात कर रहे हैं हम. हमें right tick mark करना है उस animal पे जो कि bottom पे है. Bottom यानी कि नीचे की side. तो ये कहाँ पे है? At the top of the स्टेयर्स. बट दिस वन, ये कौन है? छोटा सा पपी. यस, ये जो पपी है वो है एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. सो वी हैव टू टेक राइट मार्क ओवर हियर. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नियरर एंड फार्दर. नियरर एंड फार्दर, नियरर यानी कि नजदीक एंड फार्दर यानी कि दूर. नियर यानी कि नजदीक एंड नियरर यानी कि उससे भी नजदीक. वैसे हम ऐसे बताते हैं कि इफ यू आर एट मोतीबाग नाउ, सो वी कैन से दैट आई एम नियर बाय माय स्कूल. मैं अपने स्कूल से नियर हूं, नजदीक हूं. अगर आप उससे भी थोड़े से आगे आ जाए तो आप ये बता सकते हैं कि आई एम नियरर देन यू, मैं आपसे ज्यादा नियरर हूं स्कूल से. तो जो नियर यानी कि नजदीक, नियरर यानी कि उससे भी नजदीक, और नियरेस्ट यानी कि सबसे नजदीक. तो हमें क्या करना है? नियरर एंड फादर. नियरर यानी कि नजदीक. टिक राइट द बर्ड नियरर टू होम. होम यानी कि ये जो घर है उससे जो नियरर यानी कि सबसे नजदीक है वो हमें टिक मार्क करना है. तो विच बर्ड इज नियरर दिस? नो, दिस वन इज नियरर टू होम. सो वी हैव टू टिक मार्क ऑन दिस बर्ड. नाउ टिक राइट द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री. ट्री से फार्दर, देखो यहाँ पे वन माउस और रैट इज हियर. तो रैट है वो ट्री के कहां पे है? नियर है, नजदीक है, नियरर. और ये कहां पे है? वो भी ट्री के नियर है, नियर द ट्री. ये भी फार द ट्री, वो थोड़े से दूर है.
ट्री से थोड़ी सी दूर है, देखो ये रेड है ना वो एकदम नजदीक है, यस नियरेस्ट, और ये जो कैट है वो थोड़ी सी दूर है, फार, मगर ये कैट है वो उससे भी दूर है, तो ये है फार्दर फ्रॉम द ट्री, फार फ्रॉम ट्री एंड फार्दर फ्रॉम द ट्री। ओके, तो हम यहाँ पे राइट टिक मार्क कर देंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। मैंने बोला ना जो नजदीक है उसे हम नियर कहेंगे, जो उससे भी नजदीक है उसे हम नियरर कहेंगे, और जो सबसे नजदीक है उसे हम कहेंगे नियरेस्ट। नियरेस्ट यानी कि सबसे नजदीक, जो दूर है उसे हम कहेंगे फार, जो थोड़े से और दूर है तो हम कहेंगे फार्दर, और जो सबसे दूर है तो हम कहेंगे फार्देस्ट। सो लुक एट हियर, हियर वी हैव अ पिक्चर। What can you see in this picture? Swing, tree, a boy, a girl with balloons. Look at here, this girl has balloons. And another girl is here. So, look at here. The boy is nearest to the swing. Boy kahan pe hai? Nearest to the swing, swing से सबसे नजदीक है ये, and this girl is far from the swing, ना? और ये जो है वो सबसे दूर है, इससे भी और इससे भी, तो उस swing से सबसे दूर है तो हम कहेंगे farthest from the swing, swing से सबसे दूर। अब यहाँ पे देखो, right? Tick right the puppy farthest from the tree. Tree से farthest यानी कि सबसे दूर है ना वो हमें देखना है। देखो ये जो puppy है ना वो भी near नहीं है, वो भी far है, थोड़ा सा दूर है। ये दोनों farther है, दूर से भी ज्यादा दूर ना, और ये जो है वो farthest सबसे दूर है ये। अगर ये यहाँ पे होता तो हम फार भी लगा सकते और नियर भी लगा सकते इसे, मगर ये तो है यहाँ पे सबसे लास्ट में। सो दिस पप्पी इज फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, ट्री से सबसे दूर है ये वाला, ये देखो उससे नजदीक है, ये थोड़ा सा दूर है फार, और ये है फार्दर, एंड दिस वन इज फार्देस्ट। तो हम यहां पे राइट टिक मार्क करेंगे। नाउ टिक राइट द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। नियरेस्ट यानी कि सबसे नजदीक, यस सबसे पास में, तो ये जो ट्री है दोनों वो दूर है इससे ना, तो सबसे नजदीक कौन सा ट्री है? फर्स्ट वन ट्री इज द नियरेस्ट टू द बर्ड, बर्ड से सबसे नजदीक ये वाला ट्री है, हम इसमें राइट टिक मार्क कर लेंगे। Now our next topic is on and under, above and below, on, under, above, below. Okay, ये जो है ना वो बहुत ही close topic है, यानी कि जो जिसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ऑन यानी कि भी ऊपर, अबोव यानी कि भी ऊपर, अंडर यानी कि नीचे, बिलो यानी भी नीचे, बट अ लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस टॉपिक। ओके, ऑन और अबोव में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, और वो क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पे। लुक एट द पिक्चर, व्हाट कैन यू सी? अच्छा, कौन सी प्लेस का पिक्चर है ये? विच प्लेस इज इंडिकेटेड? इट इज अ क्लासरूम। ये क्या है? क्लासरूम है। आर यू मिसिंग योर क्लासरूम? आपको अपने क्लास को आप सब मिस कर रहे हो? आई एम मिसिंग टू मच। हाँ, मुझे तो बहुत मिस हो रही है मेरी स्कूल, मेरे क्लासरूम, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सारे कलीग्स एंड माय ऑल द स्टूडेंट्स। आई मिस यू ऑल वेरी मच। Are you missing your friends?
तो ये जो है पिक्चर वो है क्लासरूम का पिक्चर, मगर ये वो क्लासरूम है जब टीचर नहीं होते क्लासरूम में, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर टू मच नॉटी, लुक एट हियर। तो यहाँ पे जो नॉटी स्टूडेंट्स है वो कुछ कर रहे हैं। तो क्लासरूम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट कैन यू सी? दिस इज द सॉफ्ट बोर्ड, चार्ट बोर्ड, कुछ भी कह सकते हो आप। यहाँ पे कुछ जार्स और वो लगाया हुआ है, फैन, डेस्क यानी कि टेबल एंड बेंचेस, देन स्टूडेंट्स, देयर बैग्स, देयर वाटर बॉटल्स, देयर बुक्स एंड टू मोर क्रीचर। वो कौन है जो कि क्लासरूम में नहीं होते कभी भी, अचानक से आ गए? यहाँ पे देखो, वन इज कैट एंड अनदर वन इज रैट और द माउस। सो लुक एट हियर, ये जो है कैट वो कहां पे है? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है ये, ऑन यानी कि ऊपर। मगर वो कैसे है? वो उसे टच करके बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? टच करके। यहां पे देखो जो कैट है वो टच हो रही है ना यहां पे, तो उसे कहते हैं ऑन। और यहां पे जो रैट है यानी कि माउस है वो भी यहां पे जमीन को टच कर रहा है और इसे थोड़े से अंतर पे है ना, तो उसे कहते हैं अंडर द टेबल। वो जो है वो अंडर द टेबल, मगर नीचे के सरफेस को उसने टच किया है, मगर टेबल और रेड के बीच में छोटे सा थोड़ा सा ही अंतर है, सही। अब यहां पे देखो, बिलो द फैन, बिलो यानी कि नीचे, तो देखो फैन के बीच में और ये बॉय के बीच में ज्यादा है डिफरेंस। यहां पे देखो डिफरेंस कम है और यहां पे डिफरेंस ज्यादा है। बिलो द फैन, वो फैन के बिलो है, नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली भी नीचे नहीं है, थोड़ा सा साइड में है और डिफरेंस ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं बिलो। डिफरेंस कम है और एग्जैक्टली उसके नीचे है तो हम कह सकते हैं अंडर। अभी अबोव द टेबल, अबोव यानी कि ऊपर, जो फैन है ये वो टेबल के ऊपर है, सारे टेबल्स आ गए यहां पे, ऑल द टेबल्स, और ये टेबल है उसके ऊपर है, मगर देखो उसे टच करके है नहीं, टेबल को टच करके ये फैन है नहीं। यहां पे देखो कैट है वो टेबल को टच करके बैठी हुई है, तो उसे हम ऑन कहेंगे। ये जो है वो उसका डिफरेंस ज्यादा है टेबल और फैन का, तो हम उसे कहेंगे अबोव द टेबल। अबोव यानी कि ऊपर की साइड, बिलो यानी कि नीचे की साइड, नीचे, मगर डिफरेंस ज्यादा होता है अबोव और बिलो में। ऑन और अंडर, अंडर है वो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट और जो अंडर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में डिफरेंस कम होता है, और जो ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, जिसके ऊपर होता है वो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट ऊपर होता है उसके बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, वो उसे टच करके हुए रखा हुआ होता है या तो फिर बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट है वो कहाँ पे है? ऑन द बेंच, ऑन द बेंच। ये बॉय है वो कहां पे है? अंडर द टेबल, और ये है ऑन द बेंच, ऑन द टेबल, ये ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये जो बोर्ड है वो ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर है। ये फैन है वो अबोव द टेबल। यस, समझ में आया अबोव और ऑन का डिफरेंस? तो अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट हियर, यहां पे देखो एक पिक्चर दिया गया है, यहां पे आपको देखना है ऑन और अबो का डिफरेंस। तो यहां पे ये जो बर्ड है वो कहां पे बैठा हुआ है? ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांच, मगर अबो द वेल, वेल के ऊपर है, मगर वेल को टच करके बैठा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अबोव द वेल। ये जो पॉट है वो कहां पे है? इसके ऊपर, ऑन द हेड ऑफ दिस लेडीज। नाउ नियर फार भी यहां पे हो सकता है, टॉप और बॉटम भी हो सकता है। टॉप साइड यानी कि ऊपर की साइड, ये जो बर्ड है वो टॉप साइड पे है,
और ये जो बॉय है वो बॉटम साइड पे है. यहाँ पे देखो ये कहाँ पे है, एट द बॉटम ऑफ द वेल, यस एट द बॉटम ऑफ द ट्री ऑल्सो. ये जो लेडीज है वो एट द बॉटम ऑफ द ट्री एंड एट द टॉप ऑफ द ट्री. अभी यहाँ पे हम नियर फार का एक बात देखेंगे. देखो यहाँ पे ये जो कार्ट है वो वेल से कहाँ पे है, फारदेस्ट फ्रॉम द वेल. और ये जो लेडी है वो सबसे नजदीक खड़ी हुई है वेल के. तो हम ये बोल सकते हैं कि नियरेस्ट फ्रॉम द वेल. और ये दोनों जो है वो फार फ्रॉम द वेल, फारदर फ्रॉम द वेल एंड फारदेस्ट फ्रॉम द वेल. ओके, डू यू अंडरस्टैंड नाउ नियर फार टॉप एंड बॉटम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक.